तो हेलो दोस्तों, एंड एक बार वापस आपका वेलकम करता हूँ मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है द रेल जंक्शन 6.3। एंड आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक और रेल खबर की न्यूज़। एंड आपको बहुत चेंज लग रहा होगा क्योंकि मेरी बाकी न्यूज़ में पीछे या तो बैकग्राउंड चलता रहता है या फिर जब मैं न्यूज़ बोलता हूँ तो न्यूज़ की जो ऑफिशियल नोटिस होता है वो चलता रहता है। बट आज मैं आपके सामने खुद प्रकट हुआ हूँ न्यूज़ लेके। आज मैं आपको दूंगा बहुत सारी ट्रेन की, मतलब कम से कम नई ट्रेन मैं आपको बताने वाला हूँ, सात जोड़ी नई ट्रेन चलाई गई है। एंड कुछ ट्रेनें ऐसी है जिनकी अब में विस्तार किया गया है, तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, पूरा देखें। एंड इन वीडियोस में मैं ओनली 7 ट्रेनों के बारे में बता रहा हूँ, 2-3 ट्रेनें और हैं और कुछ ट्रेनें ऐसी है जिनकी डिब्बों में बढ़ोतरी की गई है। तो वो वीडियो आपको आज रात तक मिल जाएगा चैनल पे, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलते हैं आज की न्यूज़ों की तरफ। एंड मेरे पीछे आप, ये मेरे मॉडल है, ये तो WDM3A का एंड वो WDP4 का, इनकी भी वीडियो चैनल पर जल्दी आएगी। तो चलते हैं एक बार पहली न्यूज़ की तरफ। तो हाथ में है मेरे पास फ़ोन जिसमें है सारी न्यूज़। तो सबसे पहले चलते हैं पहली ट्रेन की तरफ। तो पहली ट्रेन है 09217 एंड 09218 जो कि है बांद्रा से वेरावल जंक्शन तक चलने वाली। उसका संचालन किया जा रहा है जो कि बांद्रा टर्मिनस से 24 फरवरी 2021 से चलाई जाएगी एंड वेरावल से ये 23 फरवरी से चलाई जाएगी। बात करते हैं इसकी टाइमिंग्स की। तो बांद्रा टर्मिनस से ये ट्रेन 1:40 पे चलकर वेरावल जंक्शन ये 7:20 पे पहुंचेगी। बात करते हैं इसकी दूसरी रेक की। तो दूसरी रेक है 09218 जो कि वेरावल जंक्शन से 11:50 पे चल के बांद्रा टर्मिनस 5:45 पे पहुंचेगी एंड ये ट्रेन डेली बेसिस पे चला करेगी। चलते हैं दूसरी ट्रेन की तरफ। तो दूसरी ट्रेन है 09239 एंड 09240 हापा से बिलासपुर तक चलने वाली एंड ये ट्रेन वीकली बेसिस पे चला करेगी। सो ये हापा से 27 फरवरी से चला करेगी एंड बिलासपुर से ये 1 मार्च से चलाई जाएगी। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये ट्रेन हापा से सैटरडे को चला करेगी एंड बिलासपुर से मंडे को चलेगी। बात करते हैं इसकी टाइमिंग्स की। तो इसकी जो पहली रेक है 09239 हापा बिलासपुर सुपरफास्ट वीकली स्पेशल, वो हापा से 9:55 पे चलकर बिलासपुर 3 बजे पहुंचेगी। एंड इसकी जो दूसरी रेक है 09240 बिलासपुर हापा, वो बिलासपुर से 10:45 पे चल के हापा दिन के 3:30 बजे पहुंचेगी। तीसरी ट्रेन है 09575 एंड 09576 ओखा से नाथद्वारा तक चलने वाली जो कि एक वीकली ट्रेन है जो कि ओखा से वेनसडे को चला करेगी, नाथद्वारा से थर्सडे को चला करेगी एंड ओखा से ये ट्रेन 24 फरवरी से चलाई जाएगी, नाथवारा से ये ट्रेन 25 फरवरी से चलाई जाएगी। बात कर लेते हैं इसकी टाइमिंग्स की। तो ये ट्रेन ओखा से 8:20 पे चलकर नाथद्वारा 5:25 पे पहुंचेगी एंड इसकी जो दूसरी रेक है 09576 ये ट्रेन नाथवारा से 8:55 पे चल के ओखा 6:55 पे पहुंचेगी। बात करते हैं आज की चौथी ट्रेन की। तो चौथी ट्रेन है 09331 एंड 09332 कोचीवली से इंदौर तक चलने वाली सुपरफास्ट जो कि एक वीकली ट्रेन बनेगी, मतलब वीकली ट्रेन बन के चलेगी। सो चलते हैं इसकी पहली रेक की तरफ। 09331 जो कि 26 फरवरी से चलाई जाएगी एंड इसकी दूसरी रेक है जो इंदौर से चलेगी वो 23 फरवरी से चलाई जाएगी फर्दर नोटिस तक एंड फ्रिक्वेंसी इसकी रहेगी वीकली, ये चलेगी कोचीवली से फ्राइडे को चला करेगी एंड इंदौर से ये ट्यूसडे को चला करेगी। बात कर लेते हैं इसकी टाइमिंग्स की। तो ये 11:10 पे कोचीवली से निकलकर इंदौर जंक्शन 4:40 पे सुबह पहुंचेगी एंड इसकी दूसरी रेक है जो कि है 09332 इंदौर से कोचीवली, वो इंदौर से 21:40 यानी रात के 9:40 से चल के कोचीवली 3:05 पे पहुंचेगी। बात कर लेते हैं पांचवी ट्रेन की। तो पांचवी ट्रेन है 09360 एंड 09308 इंदौर से चंडीगढ़ जो कि स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, ये भी एक वीकली ट्रेन होगी। सो बात कर लेते हैं 09360 जो कि इंदौर से 25 फरवरी से चलाई जाएगी एंड चंडीगढ़ से 26 फरवरी से चलाई जाएगी फर्दर नोटिस तक एंड वीकली ये रहेगी। तो इंदौर से थर्सडे को चलाई जाएगी एंड चंडीगढ़ से ये हर फ्राइडे को चलाई जाएगी। बात करते हैं इसकी टाइमिंग्स की। तो इंदौर से ये 5:30 यानी 5:30 चल के चंडीगढ़ ये 5:05 पर पहुंचेगी एंड इसकी जो दूसरी रेक है 09308 वो चंडीगढ़ से 4:30 पर चल के इंदौर जंक्शन 3:10 पर पहुंचेगी।
चलते हैं छठी ट्रेन की तरफ। तो छठी ट्रेन है इंदौर से उधमपुर चलने वाली एक्सप्रेस, इसका संचालन किया जा रहा है। तो इंदौर से ये ट्रेन 22 फरवरी से चलाई जाएगी। ये भी एक वीकली ट्रेन है जो कि इंदौर से हर मंडे को चला करेगी। सो बात कर लेते हैं इसकी भी टाइमिंग्स की। तो इंदौर जंक्शन से ये 23:30 या कि रात के 11:30 से चला करेगी। एंड उधमपुर ये 22:50 यानी रात के 10:50 पे पहुंचेगी। बात कर लेते हैं इसकी दूसरी रेक की जो है 09:242 उधमपुर से, ये 11:10 पे चल के इंदौर 11:15 पे सुबह पहुंचेगी अगले दिन। सो बात कर लेते हैं सातवीं ट्रेन की जो कि इस वीडियो की लास्ट ट्रेन है जो कि नई संचालन की जा रही है। तो वो है इंदौर जंक्शन से दिल्ली सराय रोहिल्ला तक चलने वाली, जिसके ट्रेन नंबर मैं आपको बता दूं 09337 एंड 09338। सो इंदौर से ये 28 फरवरी से चलाई जाएगी एंड दिल्ली सराय रोहिल्ला से ये 1 मार्च से चलाई जा रही है। एंड ये भी वीकली ट्रेन है जो कि इंदौर से संडे को चलेगी एंड दिल्ली सराय रोहिल्ला से हर मंडे को चलेगी। बात कर लेते हैं इसकी भी टाइमिंग्स की। तो ये इंदौर जंक्शन से 7:20 पर चल के शाम को दिल्ली सराय रोहिल्ला 12:05 पर पहुंचेगी सुबह। एंड इसकी जो दूसरी रेक है 09338 वो दिल्ली सराय रोहिल्ला से दिन के 3 बजे चल के इंदौर जंक्शन रात के 8:30 पहुंचेगी। सो ये तो थी 7 ट्रेनें जो नई चलने जा रही है अभी फरवरी के महीने से या फिर मार्च स्टार्टिंग से। अब बात कर लेता हूँ कुछ ऐसी ट्रेन्स की जिनकी जो संचालन अवधि है उनमें विस्तार किया गया है। तो बात करते हैं पहली ट्रेन की। तो पहली ट्रेन है तिरुपति से अमरावती 02765 जो कि ट्यूसडे एंड सैटरडे को चलती है, उसका विस्तार 3 अप्रैल तक कर दिया गया है। एंड इसकी जो दूसरी ट्रेन है 02766 अमरावती से तिरुपति जो कि मंडे एंड थर्सडे को चलती है, वो 5 अप्रैल तक विस्तार कर दिया गया है। तीसरी ट्रेन है 02720 जयपुर हैदराबाद जो कि मंडे वेनसडे को चलती है, उसका विस्तार 5 अप्रैल तक कर दिया गया है। एंड इसकी जो दूसरी ट्रेन है 02719 जो कि जयपुर से हैदराबाद के बीच में चलती है वेनसडे और फ्राइडे को, उसका विस्तार 7 अप्रैल तक कर दिया गया है। पांचवी ट्रेन है 07049 हैदराबाद से औरंगाबाद के बीच में चलने वाली जो कि डेली बेसिस पे चलती है, उसका विस्तार 1 अप्रैल तक कर दिया गया है। एंड इसकी जो दूसरी ट्रेन है 07050 जो कि है औरंगाबाद हैदराबाद जो वो भी डेली ट्रेन है, उसका विस्तार 2 अप्रैल तक कर दिया गया है। सो सातवीं ट्रेन है पटना जंक्शन से पूर्णा जंक्शन तक चलने वाली। सो ये 07610 है जो कि थर्सडे को चलती है, वो 1 अप्रैल 2021 तक विस्तार कर दिया गया है। एंड इसकी जो दूसरी रेक है 07609 जो कि सैटरडे के दिन चलती है, उसका विस्तार 3 अप्रैल तक कर दिया गया है। तो ये तो थी कुछ ट्रेनें जिनका विस्तार किया गया है। जो नई ट्रेन थी वो मैंने आपको वीडियो में पहले बता दी है। एंड बस इस वीडियो में इतना ही। एंड अभी थोड़ी देर बाद चैनल पे यानी कम से कम 2 या 1 घंटे बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको और कुछ ट्रेनें बताऊंगा जिनका संचालन किया जा रहा है। तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है एंड बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना ताकि आपको मेरी अगली वीडियो भी मिल सके। एंड ऐसी रेलवे की मैं आपको हर न्यूज़ देता रहूंगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस, क्योंकि अभी मैं 1000 सब्सक्राइबर के पार होने जा रहा हूँ। एंड मेरे को पता था कि एक बार मैं 1000 के आसपास पहुंच जाऊं तो कुछ ना कुछ मेरा बनाऊंगा। तो मैंने अभी ये मेरे रूम को छोटा सा एक स्टूडियो बना लिया है छोटा सा। सो ऐसे ही चैनल को प्यार दिखाते रहिए, मेरे को 1000 सब्सक्राइबर के पार पहुंचाइए, ओनली 150 सब्सक्राइबर बचे हैं। सो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो लाइक कर देना। एंड थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को देखने के लिए।